हैप्पी दिवाली गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और यार क्या हो क्या रहा है, मतलब इस दिवाली सारे रैपर्स अपने पटाखे लेके आ रहे हैं, बम धमाके, मतलब बूम बूम बूम। पहले डिवाइन वाइब के साथ आया, आई नो वो गाना पहले रिलीज हो चुका है, पर वीडियो तो आई ना। एमिवे आया सब कुछ न्यू के साथ, बादशाह ने इंटरस्टेलर निकाला, और उसके बाद अभी डीनो जेम्स तांडव के तांडव। यार ये तांडव, ऑल्दो नाम से ही पता लग रहा है कि ये गाना बहुत हैवी और वैसा होने वाला है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं या तो किसी स्पेसिफाइड लोगों को डिस मारा हुआ इसने, या फिर जनरल डिस। जब मतलब जब रैपर अपनी ईगो बोस्ट करने के लिए जो गाने गाते हैं ना कि मैं सबसे ऊपर, बाकी सब ये कर रहे हैं, जो भी गलत कर रहे होते हैं, या फिर ये वैसा गाना होने वाला है। और मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ कि सिर्फ तांडव शब्द से पहचान लिया। एक्चुअली क्या हुआ है कि इसका ना ऑडियो ऑलरेडी किसी ने पहले रिलीज कर दिया, रिलीज क्या साला पायरेटेड वर्जन था उसका, रिलीज कर दिया था किसी ने। तो वो मैंने यूट्यूब पे सर्व करते हुए, रैप्स की मेरे पास काफ़ी रिकमेंडेशन आती रहती, वो आया। मैंने पहले 30 सेकंड सुने थे उसको, उसके पहले मुझे लगा कि शायद ये डीनो जेम्स का कोई अनरिलीज सॉन्ग होगा, जो मतलब उसने पहले रिलीज नहीं किया और अब कोई फैन फूड, जैसे बादशाह का वो गाना नहीं हनी सिंह के लिए, एक था मेरा भाई जाने क्यों हुई लड़ाई। अच्छा वो सब बकवास बात है, मैं कितनी मतलब मैं 3 मिनट इसमें खा गया हूँ, तो 3 मिनट नहीं कम है क्या, पर जो भी है। तो 30 सेकंड मैं सुनने के बाद मैं समझ गया था कि नहीं बॉस ये नया गाना है इसका। तो चलो आप सुनते हैं, सामने से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि यार डीनो जेम्स भी ना एक बहुत ही खतरनाक आर्टिस्ट है। मतलब इसकी स्टोरी, इसका स्ट्रगल इज रियल, मतलब इसके जो इंटरव्यूज होते हैं ना वो सुन के ना, एक काफी कम बंदे हैं जिनके इंटरव्यू सुन के मेरे को ऐसा लगता है कि यार कहाँ से क्या, मतलब कि कैसे, मतलब तो एक तो शाहरुख खान, ठीक है, जाकिर खान, डीनो जेम्स, इन लोगों के इंटरव्यू सुन के ना, संदीप महेश्वरी तो खैर इंस्पिरेशन के, पर इन लोगों के इंटरव्यू सुन के ऐसा लगता है यार कुछ भी नामुमकिन तो नहीं है। तो तांडव सुनते हैं, आई होप ये फाड़ गाना हो। ऑल्दो डीनो जेम्स ने कभी भी एक गाना उसका हल्का नहीं किया, एक गाना भी नहीं, मतलब जो उसने जो मैं चलता था जिस रास्ते तुझे पाने के वास्ते वाला रिस्पायर भी जो किया था ना, जो दोबारा से उसने बनाया, तो वो भी ठीक था, मतलब बुरा गाना तो उसने आज तक बनाया नहीं है। तो बिना किसी टाइम गवाए चलो गाना सुनते हैं, रिएक्ट करते हैं। देखो अंदर से वैसे तो हूँ शरीफ आदमी, तभी कानों में हमेशा ही सही बात की, और ये बच्चे मुझे कहते हैं तो ही पापनी, थोड़ा रुको अभी बोलोगे अरे बापरे, अब तक बस जो मैंने कहा था मतलब खैर ये तो मैंने सुने, मैं कितना शाना बन रहा बैठा था बस शांत में, काम किए जा रहा था बस एकांत में, पर आने वाले बेटा ये जो 5 मिनट अब करूंगा बस तांडव नाच में, जानूंगा मैं कहां से ये सीखे इनके बातों के तरीके, मीनिंग कम बस जी के सोच पे लिखे साले दिखे एक्टिंग करे जैसे फ्री के बेटा आए हो क्या पीके, और सुन मैं हूं गाने बने जो मैं मारू चीखे एमिने में से एंड्री के बैंड में हो गया। बहुत सही किया है इसने जो नीचे कैप्शन डाल दिया, और ना फ्लो नहीं पकड़ पाते तुम, बहुत बहुत सही चल रहा है। चले छोटे पीछे डबे हो गया है रिसस बाबो गाने लेकर सिगरेट, और छोटे छोटे बच्चे नीचे नीचे पास है ये बस के जी के इनके पैरों के नीचे से डीनो सारी धरती नीचे मेरे से से डॉट ब्रिज हूं मैं मिसम कम इनवी से हूं मैं ऊपर देखूं नीचे पर जो लिखूं चले की पे ये काफी साले फीके इनके दिखे काफी फीके एक ही टॉपिक की घसी दे इनके महंगे गाने छिपे तो कर रहा हूं बेटे टिकट तो हो गया है फिनिश सारे भी ये डोरा जीपे हूं मैं सॉन्ग और रैप छाते डीनो रैप कर रहे हैं देखो गति गति ले सब भाग रहे हैं देखो फटी फटी ले फुल फायर तो 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 भागे मेरे हाथ में कुछ राजा
में बस छोटे गाने करो तुम औकात में तो तेरी राख में एक चुटकी में कर दूंगा खाप में होगा थैनोस तू रैप गेम का खाप में ये एंड गेम बेटा टोनी स्टार्क खेलेंगे अब की बारी के खेलेंगे चोरी किया तुमने उसकी मिलेगी सजा कनाडा के से खेलेंगे पहली फुर्सत में पहलेंगे टूटे बुक करवा लो आने वाला है मजा के अब तक बैठा था मैं शान अंदर पल रहा था तूफान बच के रहना मेरी जान होने वाला है अब कांड और है जगाया तूने आज सबका होगा सर्वनाश आगे होता है क्या देख अब बस होगा तांडव नाच खत्म क्यों है इसके दो तीन वर्स और उतरे मतलब क्या गाना बना दिया मैंने इसके पहले 30 सेकंड सुने थे जैसे मैंने आपको पहले बताया था जो इसका लीक हो गया था वर्जन में और उसमें साउंड क्वालिटी थोड़ी धीरी थी और 30 सेकंड में मुझे लगा था अच्छा गाना होगा लेकिन ये तो कुछ और ही है मतलब जो उसका सेकेंड वर्स में जो फ्लो है इसका इसको भी पता था कोई नहीं पकड़ पाएगा इस लोगो इसने बेचारे ने कैप्शन दे दिए कहता रोगे इससे अच्छा लिख देता हूं मैं क्या बोल रहा हूँ भाई साहब बहुत ही उम्दा मतलब बहुत ही उम्दा गाना इसका कोई गाना उठा लो बहुत बहुत फाड़ होता है और हम इसको इग्नोर कर देते हैं या इसको फॉर ग्रांटेड ही कहूंगा इसकी आर्ट जो है ना उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि ये बंदा भी फट के बाहर आना चाहिए ना ही डिजर्व्स टू बी देयर मतलब एमीवे जैसे चल रहा है कि एक दिन में आते थे 100 व्यूज अब एक दिन में 2 मिलियन पार है वो वाला इसका भी होना चाहिए ऑल तो देखो इसके व्यूज कितने हैं अभी तक 107K है 30K लाइक्स है मतलब इसकी भी बहुत कट्टर वाली फैन फॉलोइंग है मतलब कई आर्टिस्ट्स हैं ऐसे जिनकी बहुत कट्टर वाली फैन फॉलोइंग है डीनो जेम्स एमीवे सिद्धू मूसेवाला बोहीमिया मतलब इनके ऐसे कि बिना देखे लाइक मारने वाले इनके जो फैंस जो कट्टर फैंस होते हैं भाई साहब क्या गाना बनाया मतलब इसीलिए शायद लोग इनको इतना पसंद करते हैं अलग लेवल का गाना है मतलब सेकंड वर्स तो यार बहुत सेम दोबारा सुनूंगा अभी सुनूंगा तो तुम लोग बोर हो जाओगे लेकिन बहुत सही मतलब गाना बहुत सही था वो टोनी स्टार्क वाली लाइन यार मेरे तो गूज़बम्प्स मतलब प्रॉपर गूज़बम्प्स अब वो लाइन भी अच्छी है और रेफरेंस भी तो उसने किसका दिया है टोनी स्टार्क का मतलब दमदार मतलब यार बहुत सही गाना है मेरे को तो बहुत सही लगा आप भी प्लीज़ चेकआउट करना लाइक तो ज़रूर मारना कमेंट भी करना शेयर भी कर देना इस गाने को क्योंकि ये गाना दिस इज़ समथिंग एल्स मतलब अलग लेवल का गाना है बिल्कुल जैसे कहते हैं ना भोकाली निडर इसके सारे गाने बहुत फाड़ आते हैं और आई थिंक एंड आई बिलीव एंड आई होप कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रैपर्स जाएगा जब ये जाएगा ना क्योंकि बहुत से जिसने लाइन में बोला है ना कि मेरे गाने होप देते हैं और वो एक्चुअली है और इस बंदे को ना मेरे को इंट्रोड्यूस किया था एक मतलब मेरे दोस्त है अमित उसके एक दोस्त ने तो होते नहीं गधे से जो लोग होते हैं जिनको हम शाणा बनते हैं जिनके आगे हम कि यार अरे ये तो ऐसी उसने सुनाया था और जब उसने सुनाया था ना तो हमने बस कुछ नहीं किया था उसका मजाक उड़ाया था सिर्फ मजाक उड़ाया था उसकी बात भी नहीं सुनी थी ठीक से और फिर जब बाद में हमने सुना ना ऐसी मेरे साथ होता था जब मैं डिवाइन के बारे में अपने दोस्तों को बताता ना कि मैं मेरी माँ के लिए जी रहा हूँ वो सुन के सब मजाक उड़ाते थे लेकिन ये गाने क्या गाने बनाता है यार ये बंदा तो इसका मतलब ये है कि अगली बार से तुम्हें तुम्हारा कोई दोस्त किसी आर्टिस्ट के बारे में बताए तो चुपचाप शाणे मत बनना मेरी और उनकी तरह अपना सुनना उसको और फिर डिसाइड करना कि वो कैसा बंदा है और ये बहुत ही सही बंदा है और बहुत ही सही गाना है तांडव और मेरा बड़ा मन है कि किसी को डिस देना मजा आ जाएगा मतलब इसके पास जो लिरिकली जितना स्ट्रांग है ना ये किसी को पकड़ ले मतलब कोई इससे पंगे ले ले मैं तो चाहता हूँ और फिर जो मजा आने वाला है क्योंकि ये ऐसे फाड़ देगा ऐसे बहुत सही लिरिकली है मतलब बीफ के मामले में अगर मैं बोलूँ ना कि कौन बंदे अभी तक मैं सोचता था सिर्फ एमीवे अब लेकिन डीनो जेम्स भी मतलब ऑफ कोर्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एमिनम एंड ऑल वगैरह अपने देसी हिप हॉप के सीन में डिवाइन या डिवाइन
डिवाइन ने जो रिमांड बनाया ना, मैं उससे डिसअपॉइंटेड था। मेरा मन था कि उसमें वो कुछ तो बोले एमवे के बारे में, कुछ तो हार्ड मारे, पर उसका मन नहीं था। दैट्स हिज चॉइस, दैट डजंट मेक हिम एनी लेस। वो बंदा अलग ही लेवल पे चलता है वो भी। कि या मैं तो रट के भी बैठा हूँ, सीमेंट से निकला गुलाब, ऐतिहासिक किताब, हर हल्का जवाब, सच हुए मेरे ख्वाब, वफादार, खबरदार, होशियार, गली गैंग सबसे हर परिवार, कोई मसले में अटके फिर सब तड़ी पार, फिर सब जिम्मेदार, खा असली में फट के फिर सब तड़ी। अरे बहन, अरे यार, मेरा दांव कैसे निकले। मतलब ये गाना बहुत सही लगता है मेरे को। सूरज चांद अपने फेवर में केड़ियां लगा रहे, असल जिंदगी में टफ, सिर्फ वीडियो में ना हारे। बहुत सही गाना है, डू चेक इट आउट, टैंडव डीनो जेम्स का। और ये शायद वीडियो काफी लंबी हो गई है, और बस थैंक यू सो मच। एक कट लगेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कहना भूल जा। प्लीज लाइक, प्लीज कमेंट, प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब। पीछे से अगर नॉइस आ रही हो तो प्लीज सॉरी। हाँ, बाय।